अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हेल्थ सॉल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मैं लगता है कि जिसकी आवाम को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस, और जिस तरह पाकिस्तान में इसका रेशियो हम देखते हैं कि एज की कोई उम्र नहीं है और बहुत ज़्यादा इसके केसेस सामने आ जी डॉक्टर साहब, बताइएगा, पहले अपने बारे में बताइए और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर साहब। ट्यूबरक्लोसिस क्या है और किस तरह से ये स्प्रेड होती है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक इन्फेक्शस डिजीज़ है और इसको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरली ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करती है, वैसे जिसम के किसी भी हिस्से के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, और जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है जो कि फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस है, वो आपके खांसने के साथ, छींकने के साथ, बलगम के साथ जो बुखारात निकलते हैं मुंह से, उसके ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, हर वो शख्स जो टी बी से एक्सपोज होता है ज़रूरी नहीं है कि उसको डिजीज़ हो जाए, बिकॉज हम में से हर शख्स इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट है, मगर एक हिस्सा होता है उन लोगों का जो कि एक्टिव डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, जिनको उसी तरह खांसी शुरू हो जाती है, उसी तरह उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है और उनको मुख्तलिफ अलामात जो हैं वो उनके जिस्म में नज़र आने लगती हैं टीबी की। अब कोई भी उम्र हो सकती है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मगर एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर ये कंपैरेटिवली ज़्यादा असर डालती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, को क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन या कोई और अगर इन्फेक्शन हुआ है चेस्ट का या एलर्जीज बहुत कॉमन है, तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक उसमें इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके अंदर शाम में बंदे को लगता है कि जी मुझे बुखार आ रहा है, सर्दी लगती है हल्की फुल्की। उसके अलावा उसका वज़न गिरना शुरू हो जाता है, उसके अलावा उसको खांसी होती है बहुत ज़्यादा बलगम के साथ, कभी कभी उसमें खून भी आता है, और जो है वो इसके अलावा वो जो नौजिया किसी फीलिंग है, भूख ना लगना, तो जनरल आपको को अगर जिसम बीमार हो उसको जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके साथ में होते हैं। कोई ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो इसको आपको लगता है कि कुछ खास स्पेसिफिक एरियाज़ में हैं या कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में या कुछ वर्कर्स में जिन लोगों में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा देखी जाती है? यूँ समझ लें कि टीबी जो है ना वो गरीब शख्स का मर्ज़ है। 95% ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उन जगहों पे मौजूद है या उन ममालिक में मौजूद है हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, तो गुरबत है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, या ओवर क्राउडिंग है क्योंकि बुखारात से फैलती है, मुँह से निकलने वाले ज़रात से या बुखारात से, तो उसकी वजह से जब ज़्यादा लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं तो उनमें ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, अगर इम्यूनिटी कम है तो उसकी वजह से हो सकता है, तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से टीबी कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। कराची में अगर हम देखें तो आपके पास जैसे ज़ाहिर है आप माशाल्लाह एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी पूरी पूरी फैमिलीज हम देखते हैं कि वहाँ पे आते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं या कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए वैसे तो हर जगह से ही लोग आ जाते हैं, मगर देखिए आप हो सकता है कि आप एक अच्छे घराने से हो मगर आप एक टैक्सी में बैठे हैं, उसका एसी चल रहा है और ड्राइवर खांस रहा है तो आपको भी लग सकती है। ठीक है, एक लिफ्ट में जा रहे हैं आप तो वहाँ कोई खांस रहा है तो उससे भी लग सकती है, मगर अगेन ये हर एक को इफेक्ट नहीं करती। तो जो एरियाज ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं, जहाँ ओवर क्राउडिंग है, वहाँ उन तमाम एरियाज में टीबी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जो कंपैरेटिवली डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे लोग बड़े घरों में रहते हैं वहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, तो ये एक डिफरेंस आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, एज ग्रुप पे अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है या किसी भी उम्र में हो सकती है? कोई स्पेसिफिक एज सच नहीं है, लेकिन ये जहन में रखें कि बच्चों में और बुज़ुर्गों के अंदर ये बीमारी कंपैरेटिवली ज़्यादा सख्त असरात पैदा करती है, इसलिए कि उन एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर इम्यूनिटी कम होती है जिसकी वजह से बॉडी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, नतीजतन बीमारी के असरात ज़्यादा होते हैं, लेकिन होती है सबको। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर हम देखें या डायग्नोसिस में कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं? अगर हम इसकी डायग्नोसिस करना चाहें तो कहानी शुरू होती है, आप अगर कोई शख्स खांस रहे तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को लगेगा कि खांसी बड़े ज़माने से चल रही है और उसको टीबी की अलामत हैं, वज़न गिर रहा है और बाकी सारी चीज़ें, तो चेस्ट एक्सरे से शुरू करते हैं। चेस्ट एक्सरे पे उनको कोई ना कोई इस तरह के साइंस मिल जाते हैं कि हाँ इसको टीबी हो सकती है, तो वो साथ में उसको कहते हैं कि जी आप अपने बलगम की माइक्रोस्कोपी करा लें। ठीक है, तो ये बलगम की माइक्रोस्कोपी कराने के बाद आपको हो सकता है उसके अंदर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मिल जाए। अच्छा, अब
कुछ और चीज़ें आ गई हैं, जदीद चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सेंध ने उसको बहुत अच्छे तरीके से वाइड स्प्रेड किया है ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ने, वो है मॉलिकुलर टेस्टिंग। सो जो काम आपको, क्योंकि माइक्रोस्कोपी के बाद आपको कल्चर कराना पड़ता था, पुराने ज़माने में कल्चर में तकरीबन 2 महीने दो लगते महीने थे, फिर वो लगते कम थे। हो के 3 हफ्ते पे आ गया जब हम सॉलिड से लिक्विड कल्चर पे गए। लेकिन अब हमारे पास एक एक मॉलिकुलर टेस्टिंग है जिसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। तो जीन एक्सपर्ट क्या करता है कि उसके अंदर आप एक मशीन है ऑब्वियसली, उसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है, आप स्प्यूटम उसमें डाल दें तो वो मॉलिकुलर बेसिस के ऊपर पीसीआर के ज़रिए, एक ख़ास किस्म का PCR होता है, उसके ज़रिए वो ये बता देता है आपको कि इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का DNA मौजूद है या नहीं। ये ठीक टेस्ट दो है, घंटे में हो जाता है, और आमतौर से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं सारी उनमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, तो जो TB क्लिनिक्स हैं गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ तो जो सब जगह DFUs अवेलेबल है हैं, ये। ये बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल, हर जगह तो नहीं है, लेकिन जो TB सेंटर्स हैं जिस तरह ओजा इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज है, या जहाँ नाज़ाबाद चेस्ट क्लिनिक है, या लियारी चेस्ट क्लिनिक है, या इस तरह के और जो TB सेंटर्स हैं, इंडस की फैसिलिटीज़ हैं, उन तमाम जगहों पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर पेशेंट सस्पेक्टेड है TB का तो 2 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है, साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंट TB है या नहीं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि TB डायग्नोज करने के लिए हमने देखा है कि पेशेंट्स किस तरह डॉक्टर चेंज करते हैं, हॉस्पिटल चेंज करते हैं, और उनकी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज नहीं हो पाती और फिर रिकरेंस होती है, और वो जिस तरह ट्रीटमेंट ले लेके वो मेडिसिन रिलेटेड उनको जो भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जिस तरह से स्प्रेड होती है और फैमिली टू फैमिली इफ़ेक्ट करती है, उन चीज़ों को, उनकी स्क्रीनिंग के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? स्क्रीनिंग के लिए नॉर्मली तो माइक्रोस्कोपी ही की जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी का घर है, उस घर में एक शख्स को TB डायग्नोस हो गई है, तो फिर तो चाहिए कि उसके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो डॉक्टर से रब्ता करें, उसको अपने आप को एक्टिवली पेश करेंगे कि हमारी स्क्रीनिंग करने हैं। किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको पहली फुर्सत में जाके डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट लिए बगैर ये ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट होती भी लंबी है, तकरीबन 1 साल की ट्रीटमेंट हो सकती है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि जो मरीज़ है उसके इर्द गिर्द वालों को ये पता हो कि जी हमें अब जाके डॉक्टर से बात करनी है, और अगर हेल्थ फैसिलिटी में जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो ख़ुद उनको एडवाइस करे, उनको एजुकेट करे कि भाई अगर आपके घर में या आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अंदर किसी के अंदर इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो उनको जाना चाहिए, जाके चेक करवाना चाहिए अपने आप को, और अपने अपने टेस्ट करवाने चाहिए। तो TB का ट्रीटमेंट कंप्लीट अगर पेशेंट का चल रहा है, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग कोई खास टाइम है, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद? साथ साथ ही हो जानी चाहिए। साथ साथ, अगर मरीज़ डायग्नोज हो गया है तो उस घर में अगर कोई दूसरा या तीसरा शख्स मौजूद है जिसके अंदर सिम्टम्स हैं तो उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये वाला मरीज़ ठीक हो जाए लेकिन लेकिन वो कोई आगे लोगों को, दूसरों को फैला ठीक पाए। है, और उसमें हम स्क्रीनिंग में कौन कौन से टेस्ट करते हैं? डिपेंड करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, बेसिक जो आप यूँ समझ लेंगे रूटीन रन होता है उसके अंदर चेस्ट एक्सरे होगा, माइक्रोस्कोपी होगी, यही टेस्ट होते हैं नॉर्मली। उसके ठीक अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उस पर नज़र आ जाएगी, बाकी आपको जनरल फिजिकल पे भी नज़र आ जाएगा, उसके सिम्टम्स आपको बता देंगे कि उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्यूबरक्लोसिस जो है माइक्रोस्कोपी पे पॉजिटिव आ जाए, एक इसमें नेगेटिव TB भी होती है, तो वो डॉक्टर की फिर जजमेंट होती है कि वो उसको प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अच्छा, और हमने देखा है कि चेस्ट TB अगर हो गई, क्लियर हो गई, उसके बाद जैसे हमें किसी और हिस्से में भी हो सकती है, इंटेस्टिन में भी, बोन TB एजेड पेशेंट में हमने देखा है, तो वो केसेस इस तरह के आते हैं या आपके पास ज़्यादातर चेस्ट से रिलेटेड ही आते हैं? हम तो वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज हैं तो हमारे पास तो मेनली पल्मोनरी TB के केसेस आते हैं, लेकिन ये दूसरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, और जाहिर है अगर वो किसी की बैक में प्रॉब्लम है तो वो गालिबन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा या वो ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास जाएगा, तो डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम तो कहाँ है, ठीक है, तो उस जब हिसाब से TB ट्रीटमेंट का होगा। कंप्लीट हो जाता है चेस्ट अगर पल्मोनरी, तो उसके बाद आप गाइड करते हैं पेशेंट को कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे आपको हो सकता है तो आपको इन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। असल में हमारे पास तो सिर्फ डायग्नोस्टिक्स होती हैं, लेकिन जो फिजिशियन होता है वो आमतौर से अपने पेशेंट को एजुकेट साथ साथ कर रहा होता है, तो वो ज़रूर गाइड करता है कि उस, और उसको गाइड करना चाहिए कि अगर आपके पास इस किस्म के सिम्टम्स हो तो आप किसी ना किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक है, TB वैक्सीनेशन या BCG वैक्सीन पे अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, लगवानी चाहिए? क्योंकि अभी तक भी जो BCG वैक्सीन लगती है वो सब लोग नहीं लगवाते बचपन में, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, BCG वैक्सीनेशन जो है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं, प्रोटेक्शन बहरहाल वो प्रोवाइड करती है, और स्पेशली जो हमारे जैसे एंडेमिक एरियाज हैं वहाँ तो आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको लगाना बिल्कुल चाहिए।
हाँ, अगर कोई शायद दुनिया के किसी ऐसे कोने में रहता है जहाँ उसको ज़िंदगी में किसी ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ से कभी सामना हो ही नहीं, कोई नहीं। तो वो ना लगवाए अगर उस, और ज़ाहिर है ये EPI प्रोग्राम का हिस्सा है, तो हमारे तो एज अ वैक्सीन रेजिमेंट ये लगाया जाता है और हर बच्चे को लगाई जाती है। जो नहीं लगवाते वो फिर आमतौर से अपनी मर्ज़ी से नहीं लगवा रहे होते, और ज़ाहिर है एक प्रोटेक्शन अवेलेबल है। 100% ना भी दे तो जितनी दे रही है उतनी ले लेनी चाहिए, ये वाली बात ना। अच्छा बताइए किस तरह से हम क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए हमें? एहतियाती तदाबीर के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को जनरली अपने अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर खांसी हो रही है कॉन्स्टेंटली और वज़न गिर रहा है और इस तरह के मैलेज लाइक सिम्टम्स हैं, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, तो किसी ना किसी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं एक मीटिंग में गया था, कि उन्होंने TB की अलामत स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई, ठीक है, और बच्चों ने फिर पॉइंट आउट किया कि जी ख़ानदान में फला 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 लोग जो हैं उनको जाके बच्चों ने कहा कि जी आप अपना चेकअप कराएं, और फिर वो लोग शायद उन्होंने TB फैसिलिटी से रब्ता किया और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। फिर दूसरी एक चीज़ बड़ी अहम है कि जो शख्स बेचारा ट्रीटमेंट ले रहा है उसको हम अछूत ना समझें, और उसको एक फैमिली सपोर्ट साथ में अवेलेबल हो, कि लोग उसका ख्याल रखें, उससे उसकी खैरियत पूछें और उसको इस तरह सपोर्ट करें कि वो अपनी पूरी ट्रीटमेंट मुकम्मल करें। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो इट विल गिव राइज टू ड्रग रेजिस्टेंट TB। ड्रग रेजिस्टेंट TB जितनी ज़्यादा सीवियर होती जाएगी उतना ज़्यादा बचने के चांसेस मरीज़ के फिर कम होते चले जाते हैं। ट्रीटमेंट महंगी भी हो जाती है, मुश्किल भी हो जाती है, तकलीफें भी हो जाती है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि वो एक दफ़ा जो 6 महीने 8 महीने का ट्रीटमेंट है वो ले लिया जाए और उसके बाद वो केस ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज वो रेजिस्टेंट पे जाएगा, ट्रीटमेंट और लंबी हो जाएगी। ये मरीज़ को समझाना सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप्स में आते हैं आपके पास पेशेंट्स? मैं तो मरीज़ नहीं देखता लेकिन हमारी लैब में आते होंगे आपके पास इस तरह से, ठीक है। TB और कोविड को अगर हम देखें तो कुछ आपके पास इस तरह के आए पेशेंट्स जिनको TB थी और उनको अगर कोविड हुआ है और वो किस तरह से? अच्छा, इस दौरान में जब ये कोविड चल रहा था तो दूसरे केसेस जो थे वो बहुत कम हो गए थे, बिल्कुल, बिकॉज लोग क्योंकि सबका फोकस उसी पे ही था, फोकस भी उस पे था, फिर ये कि लोग मूव भी बहुत ज़्यादा कम कर रहे थे, फॉलोअप्स हमने देखा, बिल्कुल फॉलोअप्स लोग मिस कर रहे थे, नहीं करवा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो हमें एक साथ नहीं मिला एज सच कि हमें, मतलब एटलीस्ट मेरी इल्म में नहीं है कि जी कोई TB का मरीज़ हो वो कोविड का हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं आया कोई। लेकिन उसमें आपके वो पेशेंट्स भी होंगे जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होंगे और उन्होंने अपने फॉलोअप मिस किए। क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे आप? हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, जितने आप एडवांस टेस्ट की बात कर रहे हैं और फिर भी लोग ये चीज़ें मिस ना करें, तो एक कोई अवेयरनेस मैसेज आप लोगों को दें? अवेयरनेस मैसेज के लिए सबसे अहम बात तो ये है कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें कभी भी। दूसरी चीज़, ये जितनी भी बीमारियाँ इन्फेक्शस डिजीज़ जितने भी हैं और इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर इंसान अपनी हेल्थ का ख्याल रखे खुद से, दैट मीन्स कि वो एक्सरसाइज करे, वॉक करे, नशे से परहेज़ करे, सिगरेट छालिया पान ये तमाम चीज़ें छोड़ दे और एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे जिसमें नेचर के अंदर वक्त गुजारना एक बहुत अहम चीज़ है जो आपके ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी होता है, तो इन तमाम चीज़ों का अगर ख्याल रखे तो वो एक इम्यूनिटी उसकी ऐसी बिल्ड हो जाती है कि वो डिज़ीज़ से इतना नुकसान नहीं उठाता। अगर एक शख्स जो है वो नशा भी करता है, सिगरेट भी पीता है और नींद भी सही से नहीं लेता, आराम भी नहीं करता, हर वक्त काम 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 स्ट्रेस में भी रहता है, तो उसके ऊपर जब बीमारी आती है तो उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू एक दूसरा शख्स है जो कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। तो अगर जनरली हेल्थ का ख्याल रखा जाए, अपने आप को बिल्ड करके रखा जाए, तो ये आपकी इम्यूनिटी आपके बहुत सारे डिजीज़ से मुकाबला करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और आपको बहुत बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, यही हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं। हेल्थ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सबको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। रूटीन में जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज है, वॉक हैं, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। सेहत से बढ़ के ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।